देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस, जी हाँ, इसे नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलाया गया है और पूरी तरह से एसी है यह ट्रेन। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है कि आखिर इसे प्राइवेट ट्रेन क्यों कहा जा रहा है, क्या इसे कोई प्राइवेट व्यक्ति संचालित कर रहा है, आखिर इस ट्रेन का मालिक कौन है, कौन है जिसने इस प्राइवेट ट्रेन को शुरू किया है जिसे तेजस एक्सप्रेस नाम दिया गया है। इस ट्रेन में सबसे बड़ी सुविधा यह दी गई है कि अगर ट्रेन लेट होती है तो आपको यानी यात्रियों को जो सुविधा मिलेगी उसमें 100 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का जुर्माना रेलवे पर होगा, यानी जो तेजस ट्रेन का संचालक है उस पर यह जुर्माना लगाया जाएगा और यह जुर्माना राशि जो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उनके खाते में जमा होगा। तो ये देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो समय पर पहुंचाएगी, अगर लेट होगी तो यात्रियों को उसका मुआवजा मिलेगा। अब सवाल इस बात का है कि इस ट्रेन का किराया कितना है। इस ट्रेन का किराया 1000 से शुरू होकर 2000 तक जाता है, जो एसी चेयर कार का है, फर्स्ट एसी का है, सेकंड एसी का है। कुल मिलाकर ट्रेन बेहद सुविधाजनक है। ट्रेन में एयर इंडिया की स्टाइल में यानी हवाई जहाज की स्टाइल में एयर रेलवे की होस्टेस रखी गई है। उसके अलावा इसमें बेहद कंफर्टेबल सीटें हैं, नाश्ते की व्यवस्था है और इसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं ताकि यात्रियों के सामान की सुरक्षा रहे। और अब यह देखते हैं कि आखिर इस ट्रेन का संचालक कौन है, इसका मालिक कौन है और इसे प्राइवेट ट्रेन क्यों कहा जाता है। तो इस ट्रेन का जो मालिक है वो रेलवे ही है, रेलवे ही इस ट्रेन का संचालन कर रही है और रेलवे की ही पटरियों पर, रेलवे के ही प्लेटफॉर्म पर इस ट्रेन का संचालन हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसे प्राइवेट ट्रेन नाम क्यों दिया गया। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि रेलवे की जो कैटरिंग सर्विस है IRCTC वो इसको पूरी तरह से संचालित करती है, ट्रेन की व्यवस्था देखती है और भारतीय रेलवे का यह पहला प्रयोग है। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो रेलवे की धीरे धीरे कोशिश यह है कि हवाई जहाज में जो सुविधाएं यात्रियों को मिलती है उन्हीं यात्रियों उन्हीं सुविधाओं से लेस ट्रेन का संचालन अन्य जगहों के लिए भी किया जाए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।